सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, साबिक एमपीए बिहारी मियां साकब खुर्शीद की क्यादत में काफिले लाहौर रवाना हो गए। मियां साकब खुर्शीद सैकड़ों मुस्लिम लीगी कारकुनों के हमरा मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में दफ्तर मुस्लिम लीग एच ब्लॉक से रवाना हुए। साबिक एमपीए मियां साकब खुर्शीद की तरफ से लाहौर जाने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनों के लिए पुरतकल्लफ नाश्ते का भी अहतमाम किया गया। मुस्लिम लीगी कारकुनान नवाज शरीफ की आमद पर जोश हैं। साबिक एमपीए मियां साकब खुर्शीद की क्यादत में 34 गाड़ियों पर सैकड़ों मुस्लिम लीगी कारकुनों का काफिला रवाना हुआ। इस मौके पर मियां साकब खुर्शीद ने कहा कि आज लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर होने वाले जलसा तरीकी जलसा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की मुआशियत का पहिया फिर से बहाल कर सकते हैं। 2013 में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क से अंधेरों को दूर किया और अब फिर नवाज शरीफ इस मुल्क को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर ये मुल्क मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्की की राह पर गामजर होगा। 75 साल में अगर किसी हुकूमत ने अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मनसूबों को आगाज किया तो वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। 2017 में नवाज शरीफ को अकामे पर फारग ना किया होता तो आज इस मुल्क की तरक्की आसमानों को छू रही होती। जी।